स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, आज मैं आप लोग को इंग्लिश रीडर में चैप्टर 4, द टॉपिक नेम इज अ ब्राइट आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। द स्टोरी बेस्ड ऑन टू चिल्ड्रन, सिड एंड लीना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिड एंड लीना लव टू वॉच द टीवी, बट देयर मदर वांट्स देयर बी एक्टिव। लेकिन सिड और लीना दो बच्चे थे जिनको टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी मम्मी सोच चाहती थी कि वो लोग एक्टिव बने। डू नॉट कॉच पोटैटो, सेज मदर, यू शुड नॉट बी लेजी, गो एंड प्ले आउटसाइड। डू नॉट बी कॉच पोटैटोज का मतलब हुआ कि सोफे पे आलू के जैसा मत बैठे रहो, यानी तुम लोग एक्टिव बनो। तो यू शुड नॉट बी लेजी, गो एंड प्ले आउटसाइड, यानी तुम लोग लेजी आलसी मत बनो और बाहर जाके खेलो। वी डू नॉट नो वॉट टू प्ले, सेज अ ब्रदर एंड सिस्टर। हम लोग नहीं जानते कि कौन सा खेल खेले, दोनों भाई बहन ने कहा। वाई नॉट प्ले बैडमिंटन, सजेस्ट मदर, आरंट देयर योर रैकेट्स। क्यों नहीं तुम ने बैडमिंटन खेलते, उसकी मम्मी ने सजेस्ट किया, तुम्हारे पास रैकेट भी है। बट वी हैव नॉट नो शटल, सेज सिड मंचिंग ऑन चिप्स। लेकिन हमारे पास शटल यानी कॉर्क नहीं है, मैं किससे खेलूं? और वो सिड ने कहा, मतलब चिप्स को खाते हुए सिड ने कहा। देन गो स्विंग ऑन द स्विंग, सेज मदर, मतलब अब तुम, मम्मी ने कहा कि जाकर बाहर झूले पे झूलो। द रोप इज टॉर्न, सेज लीना, तो वो रस्सियाँ जो है वो टूटी फूटी हुई है, लीना ने कहा। ड्रिंकिंग फ्रॉम अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और उसने लीना ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा। सिड इज लुकिंग एट द टीवी, ही टेल्स लीना, सिड लुक टीवी की तरह देखते हुए लीना की तरफ बोला कि लेट्स वॉच दिस कार्टून, चलो हम लोग ये कार्टून देखते हैं। मदर नोज दे डोंट वांट टू मूव एट ऑल, मम्मी ने कहा कि तुम लोग इस तरह से मूव मत करो। सी नोज सी हैज अ प्रॉब्लम, देन सी हैज एन आइडिया, वह जानती थी कि इन लोग के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए उनके पास एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे सिड एंड लीना हियर सम स्ट्रेंज नॉइजेस फ्रॉम द गार्डन। दूसरे दिन सिड एंड लीना ने कुछ नॉइजेस यानी आवाजें सुनी अपने गार्डन में, ठक ठक, बम बम, ढूम ढूम। व्हाट्स अप मॉम, देन दे आस्क मदर इन सरप्राइज, वो जाके अपने मम्मी से पूछा, उसे सरप्राइज यानी आश्चर्य हो रहा था। व्हाई डोंट यू गो एंड सी फॉर योरसेल्फ, सजेस्ट मदर विथ हर स्माइल, उनकी मम्मी ने स्माइल देते हुए कहा कि तुम खुद जाकर देखो। लीना एंड सिड रन आउटसाइड, गेस व्हाट दे फाइंड, लीना और सिड जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ गए, वो उन्होंने सोचा कि बाहर हो क्या रहा है, हम लोग खोज करते। हु आर दोज मैन, ये लोग कौन से आदमी हैं, व्हाट दे आर डूइंग अप दैट ट्री, आस्क लीना, लीना ने कहा कि ये लोग हमारे पेड़ पे क्या कर रहे हैं, लीना ने कहा। सिड वॉचेस इन साइलेंस एंड देन ही जंप्स इन एयर, सिड जो है वो चुपचाप से देख रहा था, उसके अचानक से खुशी से उछल पड़ा। अ ट्री हाउस, वाओ, दे आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस, लीना उसने फिर उछलते हुए कहा कि ये ट्री हाउस है, वाओ, हम लोग के पेड़ पे एक ट्री हाउस बन रहा है। लीना इज एक्साइटेड, लेट्स क्लाइंब अप द ट्री एंड सी, शॉल वी सिड, चलो हम लोग देखते हैं ट्री पे चढ़कर। यस लेट्स, वी ऑल प्ले देयर, हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, लीना और सिड खुशी से उछल पड़े। व्हेन मदर कम्स आउटसाइड द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी अप द ट्री, मदर स्माइल्स हैप्पी, उसकी मम्मी बाहर निकली, बच्चे जो है ऑलरेडी वो ट्री पे चढ़ चुके थे। मदर स्माइल्स और मम्मी खुशी से बच्चों की तरफ देखने लगी, देयर इज अ ट्विंकल इन हर आई, उनकी आंखें वो चमकने लगी खुशी से। तो ये बच्चों के लिए था कि बच्चे दिन भर टीवी देखते थे, वो बाहर मतलब बाहर का कोई भी गेम, घर का कोई भी इनसाइड गेम, आउटसाइड गेम, कुछ भी वो लोग नहीं करते थे, दिन भर टीवी से चिपके रहते थे। तो उनकी मम्मी को, सिड और लीना की मम्मी को एक ग्रेट आइडिया आया, उन्होंने एक ट्री हाउस बनवाया जिससे बच्चे बाहर के गार्डन में जाके खेल सके। तो वो उन्होंने ट्री हाउस बनवाया जिससे सिड और लीना बहुत ही खुशी हो गए और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये चैप्टर आप लोगों को, बच्चों आप लोगों को ये रीड करना है, आप लोगों को ये रीड करके आप लोग रखिएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका वर्ड मीनिंग
और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी। अभी आप लोगों को ये ब्राइट आइडिया चैप्टर रीड करना है। ओके, बाय, थैंक यू।